हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको एक नया मज़ेदार वीडियो दिखाता हूँ। आज मैं आपको शो करूँगा 1 -2 +3 -4 +5 -6 अप टू इट गोज़ टू इन्फिनिटी। क्या होगा इसका वैल्यू, ये हम आज आपको दिखाएंगे। तुम ध्यान से देखो, इसमें हमें पहला टर्म को छोड़कर दूसरा और तीसरा को एक साथ क्लब करना है, दिस एंड दिस को एक साथ क्लब करना है, नेक्स्ट टू को एक साथ क्लब करना है। उसके बाद क्या होगा, अब ध्यान से देखिए, वन है फर्स्ट टर्म, उसके बाद प्लस करके -2 +3 को एक साथ हमने कर लिया, -4 + 5 को एक ब्रैकेट में, -6, उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 7, नो, तो उसको हमने एक साथ कर लिया। इस तरह से बात आगे बढ़ती। अब आप हर एक ब्रैकेट को ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा, टक। हर एक ब्रैकेट को आपने ये किया तो आपको क्या मिलेगा, -2 + 3 = 1, -4 + 5 = 1, एवरी ब्रैकेट बिकम्स 1। तो इस तरह से हमें क्या होता है कि 1 + 1 + 1 + 1 इफ़ इट गोज़ टू इन्फिनिटी, फाइनली इट्स वैल्यू विल बी इन्फिनिटी। बट टुडे आई विल शो यू, नो, इट इज़ नॉट इन्फिनिटी, इट इज़ जस्ट 1/4। ये कैसा लगा आपको, ये जस्ट विश्वास नहीं होता ना, विश्वास नहीं होने के कारण 1, 2, 3, 4, 5 जो भी है वह एक इंटीजर है, पूर्ण संख्या है, इसका योगफल एक फ्रैक्शंस कैसे हो सकता है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, बट हाउ इट कुड बी अ फ्रैक्शंस। सो स्टूडेंट, मैं आपको दिखाऊंगा, ये हमारा क्रेजी क्लेम देखने के लिए आप वॉच करते रहो। बट हम आपको याद दिलाएं कि पिछले वीडियो में हमने आपको क्या दिखलाया था, पिछले वीडियो में आप याद करो, इट वॉज 1 -1 + 1 - 1 + 1, इट बिकम्स 1/2। तो पिछले क्लास के चीज़ों को आप याद रखिए, अगर नहीं हो तो हमारा प्रीवियस वीडियो को आप देख लीजिए, और इसको एज्यूम करते हुए समय की बचत के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम प्रूफ करेंगे आपको हाउ इट इज 1/4। तो जस्ट हमने मान लिया कि हमें भाई इसका वैल्यू नहीं मालूम है, मान लो कि इसका वैल्यू है बी, क्या वैल्यू है बी, सो व्हाट इज़ बी, बी इज़ नथिंग बट 1 -2 + 3 - 4 + 5 - 6 लाइक दिस। अब इसके बाद क्या होगा, अब हमें बी को घटाना है ए से, ए का मतलब 1 - 1 + 1 - 1, और इस तरह से आप क्या देखेंगे, ध्यान से देखो, a माइनस बी किया हमने, a कितना एज्यूम किया था 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1, और b अभी आपने क्या एज्यूम किया 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6। अब इसको आपने ब्रैकेट चेंज किया, तो प्रीवियस ब्रैकेट जो है अंडर ब्रैकेट में था 1, तो माइनस के साथ हो गया -1 - 2 + 2 - 3 + 4। तो जब आप ब्रैकेट को ब्रेक करोगे, ब्रैकेट के पहले में माइनस है, तो ब्रैकेट के अंदर के हर एक टर्म्स का साइन जो है वो आपका चेंज हो जाता है। तो इस तरह से अब आप थोड़ा सा रीशफल करें, रीशफल का मतलब फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म को सेकंड ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म के साथ जोड़िए, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म के साथ, थर्ड टर्म को थर्ड टर्म के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, पहला टर्म है 1 - 1 हमने फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा, दूसरा टर्म है -1 और ये है +2 दूसरा ब्रैकेट में आया, फिर थर्ड टर्म है +1 यहाँ है, इस तरह से आपने देख लिखा, तो आपको फाइनली क्या मिला, फर्स्ट ब्रैकेट बिकम्स 0 बिकॉज 1 - 1, सेकेंड ब्रैकेट में -1 + 2 इट बिकम्स 1, 1 - 3 इट बिकम्स -2, -1 + 4 इट बिकम्स -4। अब आप याद करो तो अभी अभी आपने b को क्या एज्यूम किया था, यही एज्यूम किया ना, 1 - 2 + 3 - 4 + 5 को हमने b माना, तो इस तरह से a माइनस बी कितना हो गया, b, बिकॉज आपने एज्यूम किया b इज़ व्हाट
वन माइनस टू प्लस थ्री माइनस फोर प्लस फाइव एट्सेट्रा। तो स्टूडेंट आपको याद है ना कि a बराबर हमने शो किया था वन बाई टू। तो इस तरह से हमारा नया टर्म्स हो गया a माइनस b इक्वल्स टू b। क्लियर? कोई कन्फ्यूजन हो तो अभी पूछो। और जब a माइनस b बराबर b हो गया तो a बराबर कितना हो गया 2b, और इस तरह से b बराबर हो गया हाफ एंड a बाई टू। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू को पुट कीजिए एंड यू विल गेट 1/4। और यही आज हमें साबित करना था। तो हम लोग कहाँ से शुरू किए थे, 1 माइनस टू प्लस थ्री माइनस फोर प्लस फाइव माइनस सिक्स एट्सेट्रा। तो इसमें हम लोगों ने जब सेकंड थर्ड टर्म को क्लब किया, फिर नेक्स्ट टू टर्म्स को क्लब किया, तो हमें क्या मिला, 1 + 1 + 1 + 1। और आप जानते हो कि 1 + 1 + 1 को अगर इन्फाइनाइट टर्म जोड़ेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, बट अभी आपने देखा क्या 1/4। बोलो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।